ये सारे बिल्कुल नए नहीं, नहीं होते हमारे लिए इनमें से कुछ हम पहले पढ़ चुके होते हैं देख चुके होते हैं कुछ का हमारा ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका होता है अब होता ये है, है कि हम भूल जाते हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज कुछ महीने कुछ साल जा चुके होते हैं कुछ महीने हो गए होते हैं एक डेढ़ साल हो गया होता है एग्जाम्स uh, का प्रेशर नए वाले कॉन्सेप्ट याद है पुराने वाले भूल गए तो यहाँ पे हमको थोड़ा ब्रश अप की जरूरत होती है और दैट इज वेयर द ब्रिज कोर्स कम्स इन द पिक्चर ठीक है या फिर कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे होते हैं जो हमने पहले मतलब हमें पढ़ना है आगे पहले शायद नहीं पढ़ा है बट एकदम से एक बार में नया नया शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट कंफ्यूजन इन आर लाइफ्स राइट हमको वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो इसलिए हम पहले ही थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे ठीक है ताकि आगे चलकर हमें प्रॉब्लम ना हो हम जब उसको दोबारा नया पढ़ना शुरू करें तो हमारे लिए जो है सॉर्टेड रैंक ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपके लिए जो है ये ऐप है हमारा एमबाइप का जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर डाउनलोड दिस बहुत सारा कंटेंट बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू राइट ओवर हियर। सो मेक श्योर टू डाउनलोड दिस ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है दूसरा आपके लिए ये लिंक है यहाँ पे और क्यू आर कोड भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का दिस इज यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट दिस इज द प्लेस वेयर वी बेसिकली अपडेट यू अबाउट एवरीथिंग बहुत सारे क्वेश्चन भी देते हैं हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो ये सब आपके लिए यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है अगर आपको लग रहा है ये लिंक यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहां से कर लो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो हमारे नाइन्थ में पढ़ाया जाएगा इसके पहले इलेक्शंस के बारे में हमने सिक्स टू एट के बीच में भी अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझा हुआ है एक और सेशन मैंने आपको कराया था लोकल गवर्नमेंट का ये लोकल गवर्नमेंट भी हमने बच्चे क्लास सिक्स में द थ्री टीयर गवर्नमेंट और ये सारे फॉर्मेट में समझा हुआ है तो ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपने कही कहीं ना कहीं एक्सपोजर ले लिया हुआ है पहले सिक्स टू एट स्टैंडर्ड में और कुछ नई चीजें जो शायद आप आगे चल के कंफ्यूज हो जाओ जब एकदम से ये चैप्टर पढ़ो विथ ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन सो वो मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए ये सेशन क्रिएट किया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर तो क्या होता है कई बार हम सोचते हैं ना यार कि वोटिंग शूटिंग से क्या होगा कोई फायदा नहीं है वोट्स दे दो नेता वही रहेंगे वही प्रॉब्लम वही करप्शन लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है देश का भला नहीं हो रहा है टैक्सेस बढ़ रहे हैं पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो वोट क्यों करें और कैसे करें है ना कई बार ये समझ नहीं आता कि वोटिंग का प्रोसेस क्या होगा लेकिन अफकोर्स हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा नहीं सोचता है As citizens, हम ऐसा सोचते हैं बहुत नेचुरली हमारे साथ ऐसा हो जाता है बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है जब हम वोट दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है उनका काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना उनकी ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर ऐसा सोच लगेंगे कि यार जब लोगों को लग रहा है इलेक्शन जो है क्यों ही कंडक्ट कर रहे हैं हम भी नहीं कराते तो उनके होने का उनके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है बच्चा ठीक है तो इलेक्शन कमीशनस हमारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है इसीलिए हर पांचवे साल वो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो अपनी तैयारी फुल फ्लेज्ड करके रेडी रहती है वो अपने सारे पोलिंग बूथ को सेट कर देती है एक लोन रेसिडेंट के लिए ठीक है नेम्ड बापू ऑफ गिर फॉरेस्ट गुजरात इन 29 तो सारा जो वोट है वो काउंट करता है ठीक है वो सब कुछ रेडी कर देती है ठीक है वो एकदम प्रिपेयर्ड रहती है कि भैया अब जो है हमें क्या कराना है हमें करानी है वोटिंग हमें बहुत मेक श्योर sure करना है कि सारे लोग जो हैं आकर के आपने डेमोक्रेसी के सबसे बड़े राइट right को एक्सरसाइज करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन द क्वेश्चन इज कि फिर इनकी जरूरत क्या है व्हाट इज द होल सोल पर्पस ऑफ देम एग्जिस्टिंग ठीक है तो टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं हम नीड क्या है इलेक्शंस की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन अगर एक इलेक्शन है सिर्फ क्या एकमात्र इलेक्शन करा देना इनफ है या इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होने चाहिए उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो क्वालिफाई करेगा कि हाँ ये टूस्ट फॉर्म में इलेक्शन कराया गया है एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए एंड देन फाइनली द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या प्रोसेस है जिससे इलेक्शन कराया जाता है ठीक है वो क्या प्रोसेस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला सवाल वाई डू वी नीड इलेक्शन आपको बताया कि डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा राइट जो हम पहले भी थोड़ा सा क्लास एट में भी समझ कर आए हैं पहले बचपन से समझते आए हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र एक ऐसी सरकार जहां लोगों के पास पावर है लोग सेंटर ऑफ पावर है लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है है ना अब इसमें सबसे बड़ी पावर जो कही जाती है कि लोग क्यों सेंटर ऑफ पावर है क्योंकि जो सरकार है जो बन रही है वो वो कौन बनेगा वो डिसीजन लोग ले रहे हैं कोई अपने आप से नहीं आ रहा है कोई अपने आप से पावर रिज्यूम नहीं कर रहा है कोई अपने आप से सरकार नहीं चला रहा है द पीपल आर डिसाइडिंग दैट एंड दैट इज द बिगेस्ट पोलिटिकल राइट दैट इज द बिगेस्ट राइट दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड टू अजन बट अगर इलेक्शन होंगे ही नहीं तो आप ये राइट कहाँ एक्सरसाइज करोगे वे विल यू फिगर आउट कि वोट कहाँ करना है इस इंसान को हटाना है अब मुझे नए लोग लाने हैं ये सारी चीजें वहां पे जो है बिल्कुल ही आप कह सकते हो अवे हो जाती हैं कोई फायदा नहीं रह जाता है

उनके साथ मिलकर जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं उस कॉन्वर्सेशन में उस डिस्कशन का हिस्सा बनकर साथ में पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेते हैं ठीक है हम बड़े डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कर सकते छोटे गांव में कुछ सौ दो सौ लोग होते हैं वो बैठ सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं जब आप शहरों में लाखों लोगों के बीच में ये करने की कोशिश करोगे इट बिकम्स इम्पॉसिबल इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू एग्जीक्यूट दिस टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस

कि वो फिगर आउट करे वो डिसीजन ले वो पॉलिसी बनाए क्योंकि सिटीजन ने उसको अपना हक एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन दे दिया है ठीक है तो इनडायरेक्ट जगह पे क्या होती है हमें जरूरी होता है कि भाई हमारे बदले कौन लेगा डिसीजन क्योंकि वन ऑन वन नहीं हो रहा है ना लैक्स ऑफ सिटीजन आर वोटिंग टू चूज वन रिप्रेजेंटेटिव अभी लाखों लोगों की रिप्रेजेंटेशन या हजारों लोगों की रिप्रेजेंटेशन एक बंदा कर रहा है तो उसको चुनना तो पड़ेगा तभी तो ये हजारों लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे पहुंचेगी और एक पॉलिसी बनेगी राइट right? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं इसके साथ साथ हम चूज करते हैं कि कौन बनाएगा गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया उस पार्टी को और बंच ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जो अल्टीमेटली पूरे सरकार को चलाएगी हम ये देखेंगे कि सरकार कौन बदल रही है जो प्रीवियस सरकार है या जो प्रीवियस रूलिंग रह चुकी है हमें उसमें कुछ बदलाव चाहिए कुछ नया चाहिए तो कौन उसमें वो चेंज ब्रिंग इन कर रहा है वो बदलाव कौन लेकर आ रहा है वो कौन है जो हमारे लिए वो शिफ्ट लेकर के आ रहा है वो हम चूज़ करते हैं हम उस पार्टी को चूज करते हैं हम चूज़ करते हैं कि हमारे लिए लॉज और पॉलिसी कौन बनाएगा क्योंकि बच्चा जब आप वोट करते हो आप जब एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए वोट करते हो तो ये गवर्नमेंट का काम क्या है लॉज बनाना पॉलिसीज़ बनाना चुनना चुनाव करना आगे गवर्न करना जिसमें ये रूल रेगुलेशन

और इसीलिए डेमोक्रेसी है ज़रूरी इसीलिए उस डेमोक्रेसी में इलेक्शन है ज़रूरी क्योंकि इलेक्शन से हम डिसाइड करते हैं कि ये सारे शिफ्ट जो हो रहे हैं वो कैसे होंगी और कौन करेगा और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो आपने अगर एक बार चुन लिया तो वो बंदा ही हमेशा रह जाएगा फिर ये शिफ्ट नए गवर्नमेंट नई पॉलिसीज नए चेंजेस नए बदलाव नए डेवलपमेंट रिमूविंग ऑफ द अर्लियर पर्सन और इफ़ यू डू नॉट लाइक दैट गवर्नमेंट अगर वो सरकार सही नहीं थी ये सारे चेंजेस ये सारे शिफ्ट नहीं आ पाते ठीक है तो वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक इज नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने ये समझा कि इलेक्शन जरूरी है ताकि हम अपने लोगों का चुनाव करते रहें अपने सबसे बड़े राइट को एक्सरसाइज करते रहें उस राइट के थ्रू वो जो पूरी लिस्ट थी वो सारे शिफ्ट लाते रहें बट क्या एकमात्र सिर्फ चुनाव कर देना सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करा देना इज दैट एनफ थिंक अबाउट इट मैंने बोला कि आई एम कंडक्टिंग द इलेक्शन कल इलेक्शन होंगे आप अपने क्लास का मॉनिटर चुन लेना आप बड़े एक्साइटेड आपने आया अपने क्लास का मॉनिटर चुना बट इज दट थिंक अबाउट इट आपके लिए तीन लोगों को ऑप्शन में रखा गया चार लोगों को आप let's say 50 फिफ्टी सिक्सटी लोग क्लास में आपने वोट डाला आपने चुना लेकिन फिर मैंने देखा कि यार वोट तो थोड़ा पास पास है बच्चे तो उसको चुन रहे हैं जिसपे मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है ऐसा करते कराते मैंने कहा कि नहीं यार इसको नहीं बनाते हैं। तुमने वोट इसको दिया है बट मेरा मन नहीं है हम पर्सन डी को बना देते पर्सन बी की जगह जिसको तुमने चुना है इलेक्शन हुए आपने चुनाव भी किया बट मैंने क्या किया मैंने चुनाव का डिसीजन बदल दिया तो क्या वो चुनाव वो जो इलेक्शन हुए क्या उसका कोई पर्पस हुआ क्या वो फ्रूटफुल हुआ नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ करेक्ट पूरी बर्बादी कोई सेंस नहीं है एक और सिनेरियो देती आपको मैंने बोला कि इलेक्शन होंगे अब आपको चुनना है दो नाम आपने दिए कि मैम इन लोगों में कराओ और दो नाम मैंने दिए फिर मैंने कहा यार ये चार लोगों में क्या कंफ्यूजन करनी है ये जो दो नाम तुमने दिए इनको हटाओ ये जो दो नाम मैंने दिए इनमें करो अब मैंने क्या किया तुम्हारी चॉइस तुमसे छीन ली तो चॉइसेस ही नहीं दिए ये दो मेरे बंदे और ये वो बंदे हैं एज अ टीचर जो मुझे मैंने सेट करके रखे मुझे पता है कि तुम इनको मॉनिटर की तरह नहीं चाहते हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह बट मैंने बना दिया है क्योंकि ये मेरा काम करेंगे मुझे सारी न्यूज ला देंगे एंड यू गाइज डोट इट तुम्हें प्रॉपर चॉइस नहीं मिली है या उस वोटिंग में मैंने उस डिसीजन को डिस्कार्ड कर दिया या वोटिंग में मैंने चीटिंग करा दी कि मेरे बंदे जीतना चाहिए तो मैंने कुछ जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको सेट कर लिया यार तुम सब ना इसको ही वोट करना उनका मन हो या ना हो बट अब मुझे इंप्रेस करने के लिए करेंगे या मैंने वोट चेंज करा दिए ठीक है या फिर जो भी

इसका मतलब यह है कि सारे अडल्ट को ठीक है यानी कि जो भी एलिजिबल है जो क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी की विच इज नथिंग बट एटीन ईयर्स 18 साल के कोई भी ऊपर अडल्ट हो अगर uh, है सिटीजन तो उसको हक होना चाहिए वोट करने का सिर्फ इतना ही नहीं उसे मिलनी चाहिए एक वोट और उस वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए कंपेयर टू ऑल दी अदर सिटीजन वन वोट वन वैल्यू फॉर एवरीबडी सिंपल हिसाब है तो 18 साल का जो भी बंदा है उसको मिलनी चाहिए सब लोगों को वोट करने दिया जरा मैंने क्लास में बोल दिया कि नहीं यार ये चार ये पीछे के दस लोगों को वोट करने मना कर दो ठीक है तो वो फिर इक्वालिटी नहीं हुई तो इलेक्शन होने का पर्पस क्या हुआ अगर पूरी क्लास मिलकर के नहीं चुन पा रही है क्लास मॉनिटर को तो सबको दिया रियल चॉइस टू वोटर्स जैसे मैंने बोला कि दो मेरे लोग हैं दो तुम्हारे लोग हैं अब मुझे पता है कि वो बाकी दो लोगों में से कोई जीतेगा तो तुम खुश रहोगे बट मुझे मेरी न्यूज चाहिए पूरे क्लास की अपडेट्स तो मैंने उन बाकी दो लोगों को हटा दिया और सिर्फ दो लोगों को रखा जो मेरा काम सही से करेंगे जिनसे तुम खुश ना रहो अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास रियल चॉइस नहीं आ रही तुम्हें पता है कि ये पार्शल रहेंगे ये सही काम नहीं करेंगे ये हमारी मदद नहीं करेंगे ये मैम से हमारी तरफ से सिफारिश नहीं करेंगे ये हमारी जाके शिकायत लगाएंगे ये मैम के स्पाइस बनेंगे ठीक है तो अभी दिक्कत है तुम्हारे तो पास रियल चॉइस नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे मैंने बोला कि इलेक्शंस कराया लेकिन डिसीजन नहीं माना चीटिंग करा दी कुछ वोट्स हटवा दिए कुछ लोगों को वोट नहीं करने दिया तो ना ही इलेक्शन फ्री होगा ना फेयर होगा मैंने चार ऐसे रेगुलेशन लगा दिए जिससे तुम अपनी मर्जी से वोट नहीं कर पा रहे मैं कह रही हूँ नहीं मेरे सामने लिखो तुमने किसको वोट किया और क्यों वोट किया ये भी बताओ ठीक है ऐसा कुछ ऐसा भी पूछा है या तुम वोट कर रहे हो मैं बोल रही हूँ नहीं यार इसको इसको करो अब मैं प्रेशर में कि मैम बोल रही है तुम्हें चेंज करना पड़ रहा है वोट

तो अब क्या हुआ कि पूरे इलेक्शन का पर्पज फेल हो गया है क्योंकि जिसको हमने चुना वो आ ही नहीं रहा ठीक है वो बन ही नहीं रहा है और इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होना अब एक साल में एक बार इलेक्शन कराया मैंने और फिर कराया ही नहीं तो एक साल में बाकी बच्चों को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली आइडियली एक से दो महीने में एक क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे इलेक्शंस कराते रहना चाहिए नहीं तो एक बार वोट कराई और बोला कि अगले दो साल तक ये बंदा ही रहेगा भाई दो साल के बाद एक क्लास में रहोगे नहीं रहोगे नहीं नहीं तो पता वैसे ही एक 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 देश में एक स्टेट में एक बार इलेक्शंस कराकर दस साल तक वही सरकार चला रहे हैं तो ये तो पंगा हो जाएगा आपको हर कुछ दिन पे जो है एक इंटरवल बनाना होगा कि हाँ और वो भी इंटरवल इंटरवल भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि पांच साल छह साल एक इंटरवल बना दिया के बाद हम इलेक्शन कराएंगे ताकि वो जो सारे राइट्स हैं लोगों के अपने वोटिंग राइट्स हैं जो गवर्नमेंट गलत आ गई है उसको हटाने के राइट्स है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के राइट्स है सही पॉलिसीज बनवाने के राइट्स तो है वो सारे राइट्स को लोग एक्सरसाइज कर सकें तो सिर्फ इलेक्शन कराना इज नॉट इनफ इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वो सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे तो इलेक्शन का पूरा पर्पस फेल हो जाता है So that brings us to a quiz question. Let's quickly look at the question. Which of these is not a condition of a democratic election? a democratic election ka in nahi Everyone is allowed to vote. There are political parties to contest, contest elections. The candidate not preferred by people gets elected. Elections are held at regular interval. बेसिकली बच्चे आपको वो कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन से अलाइंड नहीं है यानी कि अगर वो होगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो रही है कि सबको वोट करने दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं कंपीट कर रही हैं कैंडिडेट जो चुना जा रहा है लोग नहीं चाहते थे वो चुना जाए और इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे भी हो रहे हैं ओके okay. तो हर एक इंसान को वोट करने दिया जा रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ डेफिनेटली कंडीशन पार्टीज कंपीट करेंगी तब तो रियल चॉइसेस आएंगी कैंडिडेट जिसको लोग चाहते हैं उसे नहीं मिल रही है प्रेफरेंस तो फिर फायदा क्या है इलेक्शन का तो ये नहीं होगा और इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे तो होना जरूरी है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ना व्हाट इज आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे कराई जा रही है हम कैसे करते हैं परफॉर्म हम कर, कैसे करते हैं फंक्शन वो समझना है तो बच्चे इंडिया को हम क्या करते हैं इंडिया ना एक बहुत बहुत बड़ा देश है ठीक है 1.42 बिलियन हमारी आबादी है आप सोचो इसमें अगर आधे मतलब कुछ एक बिलियन लोग भी अडल्ट जो वोट कर सकते हैं तो आप सोचो कितने सारे लोग हैं यार वोट करने के लिए इन सबको आप बोलोगे कि जाओ और वोट करो इकट्ठा जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है या एक स्टेट में अगर तीन करोड़ लोग हैं आप उन तीन करोड़ लोगों को बोलो कि जाओ वोट करो हो सकता है इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट इट इट्स नॉट पॉसिबल सारे लोग एक जगह जाके वोट नहीं कर सकते पहली चीज एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जब सारे लोग मिलकर चुन ले वो एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे शहर को पूरे स्टेट को पूरी कंट्री को नहीं चला सकता उसको और भी लोग लगेंगे ये और लोग कहां सेलेक्ट होके आएंगे तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने हमारी पूरी वोटिंग पॉपुलेशन को बराबरी से डिवाइड कर दिया एरियाज़ में ठीक है हर एक एरिया में इंश्योर करने के लिए कि बराबर नंबर ऑफ वोट्स आ रहे हैं फ्रॉम द अडल्टर देर अब उससे क्या होगा इक्वालिटी रहेगी कि ऐसा नहीं कि एक एरिया में सेवेंटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वोट कर रहा है और बाकी के दो एरिया में आपका पंद्रह पंद्रह परसेंट डिवाइडेड पॉपुलेशन वोट कर रहा है तो कम कम लोगों पे ये बंदा बन गया और ये इतने सारे लोग लगे ऐसे एक बंदे को चुनने के लिए तो हमने स्टेट्स को या नेशन को ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पे कि नंबर ऑफ वोट्स हर एक स्पेसिफिक एरिया से बराबर आए डिवाइड किया है और हर एक एरिया से फिर एक बंदा चुना जाता है जो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है इस एरिया को हमने नाम क्या दिया है इस एरिया को हम कहते हैं तो आपने सुना होगा कि जैसे आपके में में क्या है आपके में एक एक पर्टिकुलर पार्टी से बंदा पार्टिसिपेट uh, करता होगा फिर आप वोट देते होगे आप डिसाइड करते होगे कि इस पार्टी को जिताना है कि इस पार्टी को जिताना है कहीं किसी कॉन्स्टेंसी में एक पार्टी जीतती है कहीं दूसरी कॉन्स्टिटुएंसी में दूसरी पार्टी जीतती है सो इट गो इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट तो इन सारे को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिटुएंसीज जो पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए बनी होती हैं ठीक है ठीके? लोकसभा में 543 सीट्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं लोकसभा पार्लियामेंट का हिस्सा है ठीक है तो पार्लियामेंट के जो लोग चूज होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए लेटिव असेंबली ठीक है ये लेजिस्लेटिव असेंबली हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो जहां पे भी इलेक्शन होते हैं जो असेंबली बनती है एक आपका पार्लियामेंट में बनता है एक आपका राज्यसभा है और एक आपका स्टेट वाला है ठीक है तो लोकसभा अभी पार्लियामेंट की अगर क्योंकि बात हो रही है ठीक है तो ये एमएलए नहीं होगा बच्चे ये भी एमपी ही होगा ठीक है पार्लियामेंट की बात हो रही है लोकसभा का जो नंबर ऑफ सीट्स है 543 है राज्यसभा के नंबर ऑफ टू फोर्टी है देखो राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसके लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं हम वोट करते हैं लोकसभा के लिए तो हमारे जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं और जब हम वोट करते हैं तो जो असेंबली बनती है उसके लोग किसका हिस्सेदार बनते, है? बनते हैं उसके लोग हिस्सेदार बनते हैं लोकसभा के ठीक है कुछ रिजर्व पे क्या करते हैं हम कि 84 सीट्स जैसे हमने एस सी के लिए रिजर्व करके रखी है ओबीसी के लिए भी कई स्टेट्स में में हमने सीट्स रिजर्व रखी हैं लोकल बॉडीज हम वुमेन के लिए रखते हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम नहीं रखते हैं वुमेन रिजर्वेशन ठीक है ये भी एमपी होगा अब एमएलए कौन हो गया एमएलए आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है जो कि स्टेट के लिए होता है ठीक है लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यानी कि स्टेट में जब आप इलेक्शंस के बाद लोगों को चुनते हो ना वो राज्यसभा के अपने अपने स्टेट से मेंबर चुनते हैं कि ये ये मेंबर जो है हमने क्योंकि हमने क्या किया हमने वोट किया हमने वोट करके कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए तो अब हमने चुन लिया है कि हमारे बिहाफ में तुम डिसीजन लो तो राज्यसभा में कौन जाएगा वो डिसीजन वो हमारे बिहाफ में लेते हैं आपस में वोट करके कि भाई इसमें से कौन जाएगा राज्यसभा में हमारे स्टेट से तो वो सारे लोग चले जाते तो ये ढाई सीट की इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है ठीक है तो हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या हो गया पूरे देश को हमने कॉन्स्टिटेंसीज में डिवाइड किया जब आता है नेशनल आपका लेवल तो 543 फोर्टी बनती है हर एक से एक बंदा सीट पे लड़ाई करता है और फाइट करके कंपटीशन करके आता है जीत के वैसे ही हर एक स्टेट का डिपेंडिंग अपॉन उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है जैसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट जो है यूपी में क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो जब स्टेट कमीशन मतलब स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं स्टेट के सीएम को बनाने के लिए स्टेट की पार्टी को बनाने के लिए स्टेट के गवर्नमेंट को बनाने के लिए तो वहां पे आपका स्टेट के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिटेंसीज बनती हैं उस कॉन्स्टिटेंसी से वोटिंग होती है फिर वहां से लोग आते हैं अब कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा छोटी पॉपुलेशन में कम सीट्स होंगे यूपी जैसे बड़ी पॉपुलेशन में ज्यादा सीट्स होंगे तो ये हमारा पूरा सिस्टम है वहाँ हर जगह हम देखते हैं कि एस सी के लिए रिजर्वेशन होती है सिर्फ आपका जो रूरल और अर्बन लेवल गवर्नमेंट है यानी कि लोकल लेवल ठीक है वहां पे औरतों को भी रिजर्वेशन दी गई है स्टेट और सेंट्रल लेवल ऑफ इलेक्शंस में नहीं दी गई है ठीक है सो दैट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस नाउ क्वेश्चन द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स कि भैया अगर आपको बनना है क्वालीफाई करना है एज अ पर्सन जो आपके लिए uh, मतलब आप मेंबर ऑफ असेंबली बन रहे हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हो तो आपको आपके अंदर लोगों के कंसर्न्स को प्रॉब्लम्स को समझने की शक्ति होनी चाहिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये ट्रू है या ये फॉल्स है ये बताना है आपको इज दिस ट्रू इज दिस फॉल्स एंड विल बी बैक इन थ्री टू वन एंड जीरो बच्चा अगर रिप्रेजेंटेटिव लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाता है तो वो प्रॉब्लम होती है ठीक है इसीलिए आप सोचोगे कि ट्रू मार्क कर देते हैं लेकिन कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन है यहाँ पे हमें कीवर्ड पे ध्यान देना है आपको लगेगा कि यार अगर जो बंदा है जो भी ये कौन है ये रिप्रेजेंटेटिव है आपको लगेगा रिप्रेजेंटेटिव का तो काम है लोगों की भावनाओं को समझना उनके कंसर्न्स को समझना उनकी प्रॉब्लम्स को समझना नहीं बन रहा है तो इसे नहीं बनना चाहिए इसे नहीं होना चाहिए करेक्ट बट क्या ये क्वालिफिकेशन है क्या अगर ये उस इंसान के अंदर नहीं होगी तो हम उसको नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए बट द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल कि कोई भी क्वालिफिकेशन चाहे वो एडुकेशन हो चाहे वो आ, ये फीलिंग वाली चीज़ हो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ भी क्योंकि क्या होता है क्वालिफिकेशन जब आप रख दोगे तो आप उस इंसान को डिप्राइव कर दोगे उसके डेमोक्रेटिक राइट से जो कि है कि कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ठीक है तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है बहुत सिंपल है एक बार फटाफट देख लेते हैं <coughs> आप क्या करते हो सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाते हो वोटर लिस्ट इलेक्शन के काफी पहले से बनने लगता है और ये हर टर्म में हर बार इलेक्शन में रिन्यू होना जरूरी है क्यों रिन्यू होना जरूरी है क्योंकि बच्चे पांच साल नॉर्मली पांच साल के दौरान पे इलेक्शन होते हैं पांच साल में पांच नई जनरेशन आ चुकी होती है जो अठारह साल से ऊपर की हो चुकी होती है कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब दे माइट नॉट बी एनी मोर दे माइट है वोटर लिस्ट इज बेसिकली लाइक अ रोल कॉल लिस्ट ठीक like है आपके स्कूल में होता है ना कि आप एग्जाम जाते हो तो एक रोल कॉल लिस्ट होता है अटेंडेंस ली जाती है ठीक है उसमें जो लोग एलिजिबल हैं उनकी आईडी वाईडी सब चेक की जाती है तो ये वोटर लिस्ट एक रोल कॉल लिस्ट है जो जो लोग एलिजिबल है एज पर द सर्वे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिटुंसी में उनका नाम उस जगह डाला जाता है ताकि कोई भी कहीं भी जाके रैंडमली वोट ना कर दे कोई भी मिस ना हो जाए ठीक है तो ये सारे एलिजिबल वोटर्स का नाम रहती है अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोल इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड भी यूज की जाती है बट ये मैंडेटेड नहीं है अभी भी तो एक इलेक्टोरल वोटर आईडी बनाई जाती है उसको लेकर के आप जाते हो तो क्या होता है कि जब वोटिंग लिस्ट बनती है तो जहां पे भी वोटिंग चल रही होती है वो लिस्ट में आपका नाम होता है आप एक गवर्नमेंट आई फोटो आई लेके जाते हो उसको प्रूफ की तरह दिखाते हो कि मैं ही इंसान हूँ साइन करते हो वोट लगवाते हो और वो ब्लू निशान लगवाते हो ठीक है फिर क्या होता है नॉमिनेशन तो अब ये आपका वोटर के पार्ट पे हो गया अब जो लोगों के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में वो क्या करेंगे पहले नॉमिनेशन होगा यानी कि पहले सारे जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे लगता है कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है पार्टी ए से पार्टी बी से जिससे भी वहां पर मैं अपना एप्लीकेशन डालू कि भैया प्लीज़ मुझे ले लो मैं एक बहुत काबिल कैंडिडेट हूँ या फिर पार्टी मुझे खुद ही बुलाई कि भैया आ जाओ तुम्हें हमें तुम्हें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है मुझे लग रहा है तुम्हें वोट मिलेगा तुम आओ हमारे पार्टी से तो कैंडिडेट्स फाइल करते हैं ठीक है ठीके? एक पार्टी से या एक टिकट मिलता है उन्हें और वो लीगल डिक्लेरेशन देते हैं हर एक कैंडिडेट कि हमारे मतलब जो भी एफिडेविट एफ वगैरह है कि हमारे ऊपर कोई केस है कि नहीं हमारे क्या क्वालिफिकेशन है ये सब कुछ प्लस कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पर ठीक है या फिर कई बार अगर पार्टी के साथ नहीं कर रहे काम तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दे अप्लाई कि मैं को करना है पार्टिसिपेट तो मेरा नाम है नॉमिनेशन ठीक है फिर चालू होता है अब ये डिसाइड हो गया नॉमिनेशन हो गई ये सारा एप्लीकेशन भर गया अब एक बंदे को फाइनलाइज किया अब इस एक बंदे से जो है रिप्रेजेंटेशन uh, कराया जाएगा पार्टी का एक कॉन्स्टिटुंसी में जो वोट कलेक्ट करेगा वोटर्स से अब उसके लिए क्या जरूरी है लोग कैसे जानेंगे तो आप कैंपेनिंग करोगे यानी कि एडवर्टीजमेंट एक तरह से कि न्यूज़ फैलाओ प्रोपर मतलब आप जाओ बताओ प्रोपरगेट करो उस न्यूज़ को कि भैया आई एम द कैंडिडेट जो आपके इस एरिया से खड़ा हुआ है जो अगर आप जिताओगे तो आपके लिए ये करेगा वो करेगा तो यहाँ पे वोटर्स क्यों उन्हें वोट करें ये बताते हो आप ये बताते हो कि आप उनके लिए क्या चेंजेस करोगे सो एंड सो फोर्थ ठीक है इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है लिस्ट ऑफ दैट अ पार्टी क्रिएट्स जिसके बेसिस पे वो रूल्स और रेगुलेशन आगे बनाएंगे पॉलिसीज बनाएंगे वो कहते हैं जैसे मैनिफेस्टो में आप ये लिख सकते हो कि अगर मुझे आपने वोट दे दिया तो यहाँ की सारी सड़कें बन जाएंगी यहाँ पे प्रॉब्लम है पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ प्रॉब्लम है पानी का वो सारे मुझे रिजोल्व करने हैं तो ये मेरा मैनिफेस्टो है कि तुमने मुझे इलेक्ट किया तो ये मेरे प्रोमिसज हैं इसी के बेसिस पे जो पॉलिसीज बनेंगी जो मेरे स्टेप्स होंगे जो मेरी प्लानिंग होगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो सब आप बताते हो वो पार्टी इशू करती है साथ में मिलकर के कि ये हमारा एजेंडा रहेगा हम अगले पांच साल इन चीजों पर काम करेंगे वरना आप कैसे वोट दोगे आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको वोट देना है और इसको वोट नहीं देना है ठीक है फिर होती है वोटिंग तो क्या प्रोसेस हुआ वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो गई कौन कौन वोट देगा प्रिपेयर हो गया कौन वोट लेगा उसकी नॉमिनेशन उसका फा, उसकी फाइलिंग उसका उसका सिलेक्शन उसके बाद वो कैंपेन करेंगे फिर आप अपना प्रोमिस बताएंगे फिर आप उनको वोट करोगे ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस होता है अब वोटिंग हो गई तो उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है और फिर फाइनल रिजल्ट आता है विच इज योर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट इज द फाइनल स्टेज तो पोलिंग बूथ बच्चे स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में बनता है जहां पे सारे जो आपके वोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कलेक्ट किए जाते हैं वहां पे उसको रखा जाता है इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं वोटर को ठीक है जैसे मैंने आपको बताया जब आप वोट करने जाओगे तो आपका एक फोटो आईडी गवर्नमेंट इशूड चेक किया जाता है आपको आइडेंटिफाई किया जाता है फिर आपके फिंगर पे मार्क लगाया जाता है कि हाँ आपने वोट किया है एज अ प्रूफ ठीक है और फिर उनको अंदर छुपा करके आ, मतलब एनोनमसली वोट करने भेज दिया जाता है ईवीएम्स यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहले जो है बैलेट सिस्टम होता था यानी कि आप एक थप्पा लगाते थे स्टैम्प पे ठीक है वो पेपर फोल्ड करते थे और वो डालते थे अभी इलेक्ट्रॉनिकली होता है ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिकली uh, थोड़ा टैम्पर करना चीटिंग uh, करना वो सब डिफिकल्ट होता है वोट्स के साथ ठीक है आफ्टर पोलिंग सारे ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है ताकि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके वोट्स को ऑल्टर ना कर सके टैम्पर ना कर सके और फिर उसको ये जो जहाँ पे वोट काउंटिंग होनी है सिक्योर जगह पे ब्लॉक करके पहुंचा दिया जाता है एक डेट फिक्स की जाती है कि सारे ईवीएम्स को जब हर जगह हर एक कॉन्स्टिट्युंसी में इलेक्शन हो जाए तब इन सारे ईवीएम्स को एक जगह जमा करेंगे और वहां पे हम जो है काउंटिंग करेंगे ये किया जाता है वोटर्स आर सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड तो हर एक कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए क्या हुआ ये सब काउंट किया जाता है फिर जो आपका हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स ले जाता है उसको इलेक्ट कर दिया जाता है उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है कि हाँ भैया ये लगाओ ठप्पा ये बनना है ठीक है तो अब आपको बताना है इंडिया में डैश नंबर ऑफ पीपल वोट इन लार्जर प्रपोर्शन रिच इंटेलेक्चुअल होमलेस और अंडर प्रिविलेज्ड कौन से लोग सबसे ज्यादा वोट करते हैं बच्चा ये बताना है इंडिया में कौन सा सेक्शन है जो हमेशा बहुत ही कंसिस्टेंटली वोट करता आया है रिच लोग बहुत स्मार्ट लोग होमलेस लोग या अंडर प्रिविलिज लोग वेरी वेरी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट वोटर तो हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन ना उन लोगों की है जिनके पास बहुत पैसे नहीं है जो थोड़े गरीब हैं और उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन भी उन्हें ही सबसे ज्यादा है डिसअपॉइंटमेंट भी वैसे उनको ही होती है बट स्टिल दे बिलीव कि शायद ना ठीक हो जाएगा सब शायद सरकार सही कर देगी सब और इस उम्मीद में हर बार वोट करते हैं तो ये कौन सा सेक्शन हो गया हमारा ये हो गया हमारा अंडर प्रिवलेज वाला सेक्शन ये अंडर प्रिवलेज सेक्शन है जो हमेशा ही वोट करता है ठीक है अब ये वोटिंग कराता कौन है कौन इलेक्शंस कंडक्ट कराता है इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो कोई गलती ना हो इसलिए क्या किया जाता है एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है कि भैया चीटिंग ना हो फ्री फेयर है इलेक्शन कोई पार्टी जो है वो कुछ गलत ना करे तो इसके क्या रूल्स हैं आप वोटर्स को खरीद नहीं सकते मतलब वोटर अपने मर्जी से वोट करे यार तुमने पैसा देके बोला कि मुझे वोट कर दो तो लालच में इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेसी तो वोटर्स को खरीदना नहीं है ठीक है कोई भी रिलीजियस चीज़ें कि भैया वर्शिप की जगह मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा इन सब जगह पे चले गए और वहाँ पे कैंपेन करने कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ आप रिलीजन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मत खींचो अपनी तरफ वैसे वोट मत कराओ गवर्नमेंट मशीनरी अब जैसे मैं मैं ऑलरेडी सरकार में हूँ मेरी सरकार बनी हुई है बट मेरे को फिर नेक्स्ट टर्म के लिए भी पार्टिसिपेट करना है पर मेरे पास ना बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑप्शन हैं गाड़ी हो गई हेलीकॉप्टर है लोग हैं उसको मैं यूज करके ज्यादा बेटर कैंपेनिंग कर सकती हूँ बट ये तो चीटिंग हो गई बाकी पार्टीज के साथ जो उनके पास वो ऑप्शन नहीं है तो वो चीज नहीं यूज करनी है जो है आपने पार्टी का यूज करना है सरकार का नहीं यूज करना है पच्चीस लाख रुपए से ज्यादा लोकसभा इलेक्शन में और दस लाख रुपए से ज्यादा आपका स्टेट के इलेक्शन में पैसे नहीं लगाने क्योंकि फिर तो कोई कितना भी पैसा लगाएगा और इतने पैसे देख करके आपको ऐसे लगेगा ये पार्टी इतनी बड़ी है इस कि अरे हम तो ये प्रोजेक्ट करें क्योंकि अगर प्रोजेक्ट बड़े बड़े आप कुछ ऐसा बता दो कि हाँ ये करना है वो करना है तो लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो कि आपको वोट करेंगे तो ये तो धोखेबाजी वाली बात हो गई अगर आपको ट्रूली करना था यूड तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद आप ये नहीं करोगे तो अब सवाल आता है कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है हमने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक होने चाहिए तो इंडिया में क्यों है यार क्योंकि इंडिपेंडेंट कमीशन है हमारा इलेक्शन कमीशन के जो जो आपके सुप्रिंटेंडेंट है ठीक है जो हेड है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको भले पीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो उसको किसी भी पार्टी से कोई उनका लेना देना नहीं होता है कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि ये करो मेरे लिए मेरी बात सुनो फलाना दे आर इंडिपेंडेंट जो भी गलत करेगा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसको बार कर देंगे ठीक है लोगों की पार्टिसिपेशन होती है कोई रोकता नहीं है और जो भी वोट सबसे ज्यादा मिले वो एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत बड़ा जो सही डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा मार्क है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का ठीक है तो अब आप आपको बताना है कि हु कैन बी डिनाइड टू कास्ट द वोट इन लोकसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में किसको मना किया जाएगा वोट देने से वो इंसान जो 70 साल के ऊपर है वो इंसान जिसकी जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी है एक विडो को या फिर एक ऐसे इंसान को जो अनसाउंड माइंड का है जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है हु विल यू डिनाय द राइट टू कास्ट वोट इन लोकसभा इलेक्शंस किसको आप वोट देने से मना करोगे एक लोकसभा इलेक्शन में सो <coughs> so, बच्चे ये सारी चीजें चीजों में से अगर कहीं पे भी हम मना करते हैं तो वो गलत होगा बट हाँ एक ऐसा इंसान जो अनसाउंड माइंड का है उसे अगर हम परमिशन देंगे तो वो ऐसे भी उस मेंटल स्टेबिलिटी में है नहीं कि वो ये डिसाइड कर पाए ठीक है, है तो चैलेंजेस क्या है अभी हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्री ऑफ फेयर है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हो रही हैं जैसे कि हम ऐसे कैंडिडेट्स को देते हैं टिकट जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ है है तो अब उनसे डर डर भय के के चलते लोग वोट दे देते हैं मारे उन्हें ठीक लोगों को रियल चॉइस नहीं ऑफर की जा रही है यानी कि आ, दो ऐसे लोग जो सेम बातें कर रहे हैं उनके बीच में ही वोट करो तो भैया मेरे मुझे अगर कुछ अलग चाहिए तो मैं किसको वोट करूं मेरे पास चॉइस ही नहीं है मजबूरी में किसी एक को चुनना पड़ेगा या कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इसलिए जो भी ठीक ठाक है उसको वोट कर रहे हैं ठीक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास बहुत डिसएडवांटेज है उनके पास पैसे नहीं है बड़े बड़े पार्टीज के पास बहुत पैसे है तो उनको लोग जानते नहीं है तो वोट ही कैसे करेंगे ठीक है टिकट जो है आप रिलेटिव को दे देते हो पोलिटिकल पार्टी है वो ट्रू कैंडिडेट को नहीं देती है टिकट अपने ही लोगों को अपने पसंद के लोगों को रिश्तेदारों को दोस्तों को ठीक है उसके बाद जो वो प्रॉमिस करती हैं पार्टीज मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिस उसको पूरा ही नहीं करती हैं बोल देती हैं करेंगे लेकिन करती नहीं है तो हमने क्या समझा आज के सेशन में इलेक्शन वो मेकेनिज्म है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है सिर्फ कंडक्ट करा देना इज नॉट एनफ कैसे होगा जब ये सारा अर्डल फ्रेंचाइज रियल चॉइस रेगुलर इलेक्शन फ्री फेयर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ये सब होगा इलेक्टोरल कॉन्स्टिटेंसीज डिवाइड की जाती हैं हर फॉर्म ऑफ इलेक्शन के लिए लोकसभा राज्यसभा और आपका जो स्टेट लेवल है राज्यसभा नॉट एग्जैक्टली रिजर्व कॉन्स्टिटेंसीज रखी जाती हैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है वोटिंग लिस्ट का नॉमिनेशन का इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग डे इलेक्शन इंडिया में डेमोक्रेटिक है क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है लोगों की पार्टिसिपेशन होती है रिजल्ट हम एक्सेप्ट करते हैं बट इट कम्स लॉट ऑफ चैलेंजेस जैसे क्रिमिनल्स को टिकट देना फैमिली मेंबर्स को टिकट देना रियल चॉइस नहीं होना एटसेट्रा ठीक है तो इसके साथ हमने कर लिया है ये सेशन फिनिश डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर सेशन आर गोइंग टू कम जो आपको आगे के लिए पहले तैयार कर देगा इंट्रोड्यूस करके ब्रिज कोर्स करा के बाकी आप ऐप पे जरूर जाकर कर लेना एक्सप्लोर एंड मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विथ अस ऑन द टेलीग्राम ऐप योर गाइड तो हम मिलते हैं बहुत जल्द डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स लाइक इट इफ यू एंजॉय वीडियो इट हेल्ड यू एंड नॉट फॉरगेट टू टेल इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर डू शेयर योर कमेंट एंड योर फीडबैक विद मी एंड टिल द नेक्स्ट टाइम यू गाइस कीप कीप वी बिलीव इन यू